हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्ले नेट। आज हम बनाना सीखेंगे ये बेबी मिटन्स, जो कि 3 मंथ, 3 महीने से लेकर 18 महीने तक के बच्चे के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मैंने यही मिटन्स बनाना सिखाए हुए हैं 0 to 6 मंथ के बेबी के लिए। तो आज हम ये बनाएंगे टसल के साथ। मैंने जो पहले सिखाए हुए हैं येलो कलर में, वो बो के साथ हैं, बट आप उस पर इस तरह से टसल भी लगा सकते हैं। तो आज हम ये टसल के साथ बनाएंगे। सबसे पहले और इसके लिए आप कोई भी सिलाइयाँ ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। जस्ट नाप को फॉलो कीजिएगा, जो मैं यहाँ पे आपको बताती जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। कैंची चाहिए आपको, आपको पेस्ट्री निडल चाहिए और इंच टेप चाहिए, ठीक है। आपने सबसे पहले कास्ट ऑन कर लेने हैं। कलर आप कोई भी ले लें, ये मैं सेट बना रही हूँ तो उसके साथ ये मैचिंग है, तो मैंने यही ले लिया। सबसे पहले आपने कास्ट ऑन करने हैं 34 स्टिचेस। धागा आप अंदाजन ले लें, 34, 34 फंदे जो हैं हमने सिलाई पे डाल लेने हैं, कास्ट ऑन कर लेने हैं। जो भी मेथड आपको आता हो, मैं ये वाला मेथड यूज़ करती हूँ क्योंकि ये सिंपल है, और अगर किसी को नहीं आता तो आप मेरी वीडियोस में या डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। 34 स्टिचेस हम कास्ट ऑन कर लेंगे, सिलाई पे डाल लेंगे, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट रखना है आपने इसे, ठीक है। 34 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लें। यहाँ पे मैंने 34 फंदे जो हैं सिलाई पे डाल लिए हैं। अब आपने ऊन को इस तरफ कर लेना है। अब हम ये वाला पहले बॉर्डर बनाएंगे, 2x2 वाला, दो सीधे दो उल्टे वाला। आप चाहें तो एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन भी बॉर्डर पे रख सकते हैं। पैटर्न आप यही फॉलो कर लें, डिज़ाइन आप कोई भी चेंज इन पे कर सकते हैं। ये बहुत आसान मिटन्स होते हैं। अब हमने क्या करना है, row 1 knit 2 purl 2, दो फंदे सीधे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, knit 2 purl 2। इसी तरह आपने पहली रो सारी बुन लेनी है, दो सीधे फंदे knit 2 purl 2, दो उल्टे। इसी तरह आपने आखिर तक सारे फंदे बुन लेने हैं बॉर्डर के लिए, row 1। यहाँ पे पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई है, knit 2 purl 2, दो सीधे दो उल्टे करके हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो सीधे फंदे बचे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे knit 2। अब जो row 2 होगी वो हम कैसे बुनेंगे, जो उल्टे फंदे मिले हुए हैं उन पे उल्टा बुनेंगे, जो सीधे मिले हुए हैं उन पे सीधा बुनेंगे। जो करते रहते हैं उनको पता होगा कि दो सीधे दो उल्टे वाला बॉर्डर हम कैसे बनाते हैं, या एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर कैसे बनाते हैं। अगर नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। दूसरी सिलाई row 2 purl 2 knit 2 purl 2 knit 2, क्योंकि यहाँ से जो knit 2 है यहाँ से वो purl 2 है, यहाँ से जो दो सीधे मिले हुए हैं यहाँ से वो हमें दो उल्टे मिले हुए हैं, तो जैसे जो मिला हुआ है उसको वैसे बुनना है, purl 2 knit 2, row 2, दूसरी सिलाई हमारी, दूसरी सिलाई purl 2 knit 2, दो उल्टे दो सीधे। जो आपको फंदे सीधे मिले होंगे उन पे आप सीधा बुनते जाएंगे, जो आपको फंदे उल्टे मिले होंगे आप उन पे उल्टा बुनते जाएंगे, और इसी तरह ये दोनों सिलाइयाँ रिपीट करके row 1 and row 2, 2x2 रिब वाला बॉर्डर आपने 11 सिलाइयों तक बुन लेना है। 11, अगर आपके पास ये निडल्स अवेलेबल नहीं हैं तो आपने 1.5 इंच तक ये वाला बॉर्डर बुनना है, 1.5 इंच। ठीक है, यहाँ तक
मैं आपको ये बॉर्डर बनाने के बाद भी नाप के दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हमने बनाया हुआ है तो सही आपको नाप नहीं मिल रही। अभी ये दोनों सिलाइयाँ रिपीट कर लें, 1.5 इंचेस तक आपको लेंथ चाहिए, या अगर आप इससे बड़ा भी बनाना चाहें बॉर्डर 2 इंच का, या छोटा बनाना चाहें 1 इंच का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बॉर्डर रखना चाह रहे हैं मिटन के लिए। उसके बाद वाला पैटर्न आपने सेम फॉलो कर लेना है ये बॉर्डर बना लेने के बाद। यहाँ पे मैंने टोटल 11 सिलाइयाँ बुन ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 सिलाइयाँ यहाँ पे मैंने बुन ली हैं, और हमारे पास जो लेंथ आ रही है वो 1.5 इंचेस। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 इंच रखें, 2 इंच रखें, 3 इंच रखें, कितना बड़ा बॉर्डर या छोटा बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपके पास सिलाइयाँ अगर ये नहीं है 5 नंबर सिलाइयाँ, तो आप जस्ट जो भी सिलाइयाँ हैं आप नाप को फॉलो कीजिएगा। अब जो हमारी 12th रो होगी, 12वीं सिलाई, या आप उसे नेक्स्ट रो कह लें, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि 11 से ज़्यादा आपने सिलाइयाँ बुनी हो, अगर पतली सिलाइयाँ हैं आपके पास। तो अब बॉर्डर बना लेने के बाद जो पहली वाली रो होगी, 12th रो भी कह सकते हैं आप उसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 11 सिलाइयाँ बुनी हैं, तो ये 12वीं सिलाई है। राइट साइड से, फ्रॉम राइट साइड, निट 16 स्टिचेस, 16 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। सीधे फंदे, निट स्टिच, 16 फंदे, ये मिटन्स बहुत ही आसान है बिगिनर्स के लिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 फंदे बुन लिए, निट 16 स्टिच, नाउ निट 2 टुगेदर, 2 फंदे साथ बुनेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, निट 2 टुगेदर जिसे कहते हैं, 2 फंदों का 1 किया। अब निट 16 स्टिचेस, बकाया जो फंदे हैं हमारे पास 16, हम वो बुन लेंगे। इसी तरह ही आपने अगर बड़ी साइज बनानी है तो आपने उन्हें भी इसी तरह डिवाइड कर लेना है और बीच में निट 2 टुगेदर करना है। आपको कोई भी इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। ये रो कंप्लीट हो गई, 12 रो। अब हमारी जो रिटर्न रो होगी वो भी हम सीधी बुनेंगे, निट, ये हम गार्टर स्टिच में बना रहे हैं, तो हमने सिंपल सारे फंदे और सारी सिलाइयां सीधी सीधी ही बुननी है, जैसे गार्टर स्टिच में होता है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें आपको, मैंने गार्टर स्टिच की और स्टॉकिनेट स्टिच की वीडियो समझाई हुई है अपनी वीडियोस में, बट मैं कोशिश करके एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक ही वीडियो में गार्टर स्टिच और स्टॉकिनेट स्टिच भी आपको फ़र्क बताऊं उनका, बन के बिगिनर्स के लिए जो बनाते रहते हैं उनको तो पता होगा। अब हमने यहाँ पे 12वीं और 13वीं सिलाई बुन ली है, ठीक है। अब इसी तरह ही गार्टर स्टिच में बुनते जाना है जब तक हमें जब तक 22 सिलाइयाँ 12वीं सिलाई से लेकर ना बुन लें, और फ्रॉम रो वन से लेकर यहाँ तक 33 रोज ना हो जाए हमारे पास। अगर आपको फिर भी आसानी से समझना है तो आप ये गार्टर स्टिच की रिजेस देख रहे हैं, ये जो लाइनें गार्टर स्टिच की आ रही हैं आपके पास, ये हमारे पास 11 होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए गार्टर स्टिच की रिजेज हमारे पास। उसके बाद हम डिक्रीजिंग पार्ट जो है वो बुनेंगे इसका।
और एक बात, अगर आपने साइज छोटी रखनी है तो आप बेशक थोड़ा सा कम बुन लें, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप किसके लिए बुन रहे हैं। ये इसका मतलब ये है कि आपको कितना बड़ा बच्चे का कितना बड़ा हाथ है, क्योंकि मिटन्स में सारा हाथ यहाँ से लेकर ऊपर होता है बच्चे का, और ये बाजू पे आके उसको हमने टाई करना होता है, तो इसीलिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा मिटन चाहिए। तो आप अपनी डिज़ायर्ड लेंथ से 1 इंच पहले ही पहले तक बुनाई कर लें। फॉर एग्जांपल आपको 3.5 इंचेस चाहिए तो आप 2.5 इंचेस तक सीधा सीधा प्लेन गार्टर स्टिच बुन लेंगे, और इसके बाद एक इंच काफ़ी होता है, यहाँ पे डिक्रीजिंग कर रहे हैं, या अगर 1 इंच से ज़रा सा इधर उधर हो जाए तो डजेंट मैटर। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, रो 14 टू 33, 12, 13, अब 14 सिलाई से लेकर 33 सिलाई तक हमने इसी तरह गार्टर स्टिच बुनना है, सारी सिलाइयाँ सीधी बुननी है, निट 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 निट, उसके बाद हम डिक्रीजिंग पार्ट करेंगे। मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगी कि हमें कितनी इसकी लेंथ मिली है, आप वो फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने रो 1 से लेकर 33 रो तक सिलाइयाँ बुन ली हैं टोटल। यहाँ पे हमने बॉर्डर बनाया 11 रोज का, उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंदा डिक्रीज किया, 16 इधर बुने, 16 इधर, 16 16, उसके बाद इन गार्टर स्टिच हमने रिजेस बुन ली हैं 11, और टोटल सिलाइयाँ जो हैं 33 हैं, 33 रो 1 से लेकर 12वीं सिलाई पे डिक्रीज किया, एंड उसके बाद हमने रिजेस बुन ली गार्टर स्टिच में, सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 garter stitch ridges we have and 33 row बुन लिए completed। अब हमने यहाँ पे नाप लेना है कि हमें ये garter stitch वाला part उसकी length कितनी मिली है। हमें यहाँ पे 2.5 inches तक इसकी length मिली है, 2.5। अब आपने अगर 33 row तक आपको ये length मिल गई है तो ठीक है, वरना आप continue रखें। उसके बाद नाउ फॉर डिक्रीजिंग पार्ट, अब ये जो हमने यहाँ पे शेप दिया है उस पार्ट के लिए हम यहाँ पे 2 slip knit, 1 2 फंदों को स्लिप करेंगे, 2 slip knit और 7 बुन लेंगे। रो वन फॉर डिक्रीजिंग पार्ट 2 slip knit, 2 फंदों को स्लिप किया और 7 बुन लिया थ्रू ब्रैक लूप। नाउ निट 12 stitches, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, slip knit किया, 12 फंदे बुन लिए, 2 4 6 8 10 12, 12 stitches। उसके बाद हम करेंगे अभी निट 2 टुगेदर। अब हमने निट ये मैंने पहले भी बात समझाई हुई है कि slip knit हमने इसलिए किया क्योंकि हमने इसका फेस डायरेक्शन इस तरफ करनी थी, ठीक है, और निट 2 टुगेदर मीन्स हमने इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ करनी है। अब इसी तरह हमने एक और राउंड करना है क्योंकि हमने मिटन्स यूं बनाने हैं, तो उसके लिए हमने बैलेंस रखना है। अब बीच में एक फंदा सीधा बुनेंगे, निट 1, अगेन slip knit एंड अगेन फिर से 2 फंदों को स्लिप करके बुन लिया सीधा सीधा, अब निट 12 stitches, 12 फंदे सीधे बुन लेंगे, ट्राई, बारह फंदे सीधे बुन लेने के बाद फिर से हम निट 2 टुगेदर करेंगे। slip knit means इस तरफ इसकी डायरेक्शन, knit 2 together means इस तरफ, ठीक है। ये चीक्स टेक्निक आप दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रो 2 दूसरी सिलाई फॉर डिक्रीजिंग पार्ट, निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, रो 2 फॉर डिक्रीजिंग पार्ट, निट ऑल स्टिचेस। रो 3 फॉर डिक्रीजिंग पार्ट, तीसरी सिलाई फिर से slip knit, 2 फंदों को स्लिप किया और 7 बुन लिया।
अब पहले हमने 12 फंदे बीच में बुने, अब 10 फंदे बुनेंगे बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। स्लिप स्लिप निट 2 4 6 8 10। अब फिर से निट 2 टुगेदर, 2 फंदे 7 बुने और फिर से निट 1, एक फंदा सीधा बुना और फिर से स्लिप स्लिप निट, और अब फिर से 10 फंदे बीच में सीधे बुन लेंगे। अब निट 2 टुगेदर। अब फोर्थ रो चौथी सिलाई, निट ऑल स्टिचेस। चौथी सिलाई सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं जो कि रॉन्ग साइड से थी, और रॉन्ग साइड सारी हमने सिर्फ सीधी बुननी है, निट ऑल स्टिच। फिफ्थ रो पांचवी सिलाई, स्लिप स्लिप निट, दो फंदे स्लिप किए और निट बुना, सीधा सीधा बुन लिया। अब निट 8 स्टिचेस, 8 फंदे आपने सीधे सीधे बुन लेने हैं, 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टिचेस। स्लिप स्लिप निट, निट 8 स्टिचेस, निट 2 टुगेदर। स्लिप स्लिप निट किया, 8 फंदे सीधे बुने, अब निट 2 टुगेदर, दो फंदों का एक कर लिया। अब निट 1, एक फंदा सीधा बुन लिया। अब स्लिप स्लिप निट, फिर से फंदों को स्लिप किया, दो को, और 8 फंदे सीधे बुन लेंगे। मैं ये डिक्रीजिंग पार्ट की रोज स्किप नहीं कर रही ताकि बिगिनर्स के लिए हेल्प हो। निट 2 टुगेदर। सिक्स्थ रो छठी सिलाई हमारी, सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। सिक्स्थ रो छठी सिलाई, सारे फंदे सीधे बुन ले, निट ऑल स्टिचेस। छठी सिलाई हमने बुन ली। सेवन्थ रो सातवीं सिलाई, स्लिप स्लिप नेट, दो फंदों को स्लिप किया और बुन लिया सीधा। अब 6 फंदे सीधे इस बीच में आपने सीधे बुन ले हैं। आप नोट कर रहे होंगे कि दो दो डिक्रीजेस, दो दो फंदे हम कम करते जा रहे हैं, पहले 12 फिर 10 फिर 8 अब 6। इसी तरह अगर आपने बड़ी भी साइज रखनी है या छोटी, तो वो आपको आसानी होगी अगर ये छोटी छोटी बातें आप दिमाग में रखें कि हमें किस तरह चेंजिंग कर रही हूँ। पहली वीडियो भी देख लीजिएगा जो कि मैंने येलो मिटन्स बनाना सिखाए हैं, 2 4 6, इससे आपको हेल्प होगी कि मैंने किस तरह चेंजिंग की है, 2 4 6। अब निट 2 टुगेदर, स्लिप स्लिप निट, निट 6, निट 2 टुगेदर, निट 1, एक फंदा सीधा बुना, फिर से स्लिप स्लिप निट, दो फंदों को स्लिप किया, साथ बुन लिया और निट 6, 6 फंदे सीधे बुन लेंगे, निट 6 स्टिचेस। अब निट 2 टुगेदर। एट्थ रो हमारी निट ऑल स्टिचेस, आठवीं रो सिलाई, सारे फंदे सीधे बुन लें। नाइन्थ रो राइट साइड, स्लिप स्लिप निट। अब पहले 6 फंदे बीच में बुने थे, अब 4। स्लिप स्लिप निट, निट 4, निट 2 टुगेदर। अब निट 1 बीच में, अब स्लिप स्लिप निट, निट 4, 4 फंदे फिर से सीधे बुन लें और निट 2 टुगेदर। दसवीं सिलाई टेंथ रो निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बन लें। इलेवेंथ रो राइट साइड, ग्यारहवीं सिलाई हमारी, स्लिप स्लिप निट, दो फंदे स्लिप किए, साथ बुन लिए, अब निट 2, दो फंदे सीधे बुने, अब निट 2 टुगेदर, अब निट 1, फिर से स्लिप स्लिप नेट,
अब निट टू स्टिचेस, अब निट टू टुगेदर। 12th रो होगी जो हमारी, 12वीं सिलाई, निट ऑल स्टिचेस। 13th रो, 13वीं सिलाई, निट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस। बाइंड ऑफ की कोई भी टेक्निक आपको आती हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट साइड से हम बाइंड ऑफ कर रहे हैं। बाइंड ऑफ की दो टेक्निक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, एक वीडियो है जिसमें मैंने दोनों टेक्निक समझाई हुई हैं, आप वो देख सकते हैं, जिनको नहीं आता बिगनर्स हैं बाइंड ऑफ की वीडियो वहाँ देख लें डिटेल में, या आप मेरी वीडियोस में जाके भी वहाँ पे देख सकते हैं। बाइंड ऑफ कर दिया, काफ़ी तरीके होते हैं बाइंड ऑफ के, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर लें जो आपको आता हो। अब यहाँ पे धागा फिक्स कर दिया हमने, अब धागा काट लेंगे उतना जितना कि हमें साइड सीने के लिए काम आ जाए। आप अंदाजन काट लीजिएगा कि कितना धागा आपको चाहिए। यहाँ पे हमने धागा काट लिया है इसका, अब हमने रॉन्ग साइड को अंदर करना है। धागा हमने टेपेस्ट्री नीडल में डाल दिया है। मिटन को सीने की टेक्निक मैंने पहले भी बताई हुई है, बट जो भी आपको आती है टेक्निक आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है। अगर आप इसे फॉलो करना चाहें तो ये नीट होती है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे नीडल्स इंसर्ट कर देनी है, धागा फिक्स कर देना है इस तरह से। ये राइट साइड है। अब यहाँ पे आप वी शेप्स देखेंगे कि ये पूरी लाइन पे हमने जो बाइंड ऑफ किया है, हमारे पास ये इस तरह के वी शेप्स हैं। यहाँ से जो वी शेप होगा ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला, उसकी जो आउटसाइड लेग होगी बाहर वाली लाइन, उसमें से आपने धागा निकाल लेना है। अब फिर से यहां से इस तरफ से आपको ये वी दिख रहा है, उसका जो आउटसाइड वाली लेग है वहां से आपने धागा निकाल लेना है। ये टेक्निक नीट होती है। फिर से ये देखें, ये वी है, इसका आउटसाइड लेग, बाहर वाली इसकी जो लेग है, इससे आपको अंदर से जो होती है वो नीटनेस मिलती है, बच्चे को चुभता नहीं है। मैं अपने बूटीज में भी यही टेक्निक इस्तेमाल करती हूँ। मैंने जो पिछले मिटन्स बनाए हैं उसमें मैंने दूसरी सिखाई हुई है, वो इजी होती है बिगिनर्स के लिए, बट अब मैं दूसरे में ये सिखा रही हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा सा इम्प्रूव करें इस चीज़ को। फिर से बाहर वाली, ये जो जस्ट वी शेप आपको दिखते जाएंगे उसकी बाहर वाली लाइन को आपने फोकस करना है और मिलाते जाना है। अब धागा आप खींच लेंगे और यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब धागा अंदर इसमें डाल लेंगे और बाहर इस तरफ से निकाल लेंगे रॉन्ग साइड से। अब यही धागा हम आगे ले जाएंगे ताकि हम इसे इस्तेमाल कर सकें इसकी साइड सीने के लिए मिटन की, ये वाली। अब ये गार्टर स्टिच की लाइनें अब यहाँ पे हमने मिलाते जाना है। ये आप देख सकते हैं कि ये गार्टर स्टिच की ये जो लाइनें हमें मिली हुई हैं, अब हम सिर्फ इन्हें मिलाएंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से आपने लेनी है। एक यहां से लेनी है आपने और एक यहां से, क्योंकि ये राउंड में आ रही है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये राउंड में है तो ये बराबरी होंगी, इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। और अब आपने इन्हें पुल करना है, खींच लेना है। अब दूसरी जो गार्टर स्टिच की यहाँ पे ये लाइन जा रही है,
उसका आखिरी फंदा, ठीक है। अब यही लाइन गार्टर स्टिच की यहां से ये यहां जा रही है, इसी तरह अपोजिट गार्टर स्टिच की जो है लाइनें आपने मिलाते जाना है, आखिरी फंदा आपने हर दोनों साइडों से लेना है गार्टर स्टिच का, एक यहां से एक यहां से, फिर से यहां से, इसी तरह ये राउंड में आता जाएगा, हमने यहां तक मिला लेना है। यहाँ पे मैंने मिटन बना के इसको कंप्लीट कर लिया है। वेविन आप बकाया के धागे बाद में भी कर सकते हैं, जैसे चाहें आप वेविन कर लें। बिगिनर्स के लिए है ये वीडियो, तो इसमें घबराहट की बात नहीं है, आप जिस तरह चाहे अंदर बैक साइड पे रॉन्ग साइड पे वेविन कर लें। अब मैंने यहाँ पे डोरी बनाई हुई है, वन स्टिच एक फंदे वाली चेन निटेड बनाई हुई है, जो कि क्रोशे हुक से बनती है, बट मैंने निटिंग निडल से बनाई हुई है, इन सिलाइयों से बनाई है। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आप निटिंग निडल से किस तरह से बना सकते हैं। लेंथ आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं, कोई रूल नहीं है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 12.5 इंचेस की ये चेन बनाई है। किसी ने मुझसे पूछा था कि पोम पोम किस तरह से ऐड करेंगे मिटन्स में, तो ये है तरीका पोम पोम ऐड करने का कि आपने पहले डोरी डाल लेनी है मिटन में फिक्स करके, और उसके बाद आप पोम पोम जो है यहाँ पे ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे पोम पोम के साथ आपको धागे मिले हुए होंगे, वो यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, आपने टेपेस्ट्री निडल से यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। बट डोरी डाल लेने के बाद आफ्टर पुटिंग निटेड चेन इनसाइड, देन यू हैव टू पुट पोम पोम इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। डोरी भी अच्छी लगती है तो हम ये डोरी डाल लेंगे। गैप आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना गैप देना चाहते हैं बीच में। यहाँ पे हमने इसमें डोरी डाल ली है, अब आप इसे खींच लें। अगर यहाँ पे मैंने वन स्टिच वाली डोरी बनाई है जो कि बगैर होल्स के भी अंदर चली जाती है, अगर आप थिक बनाना चाहें, बड़ी बनाना चाहें, तो आप जस्ट यहाँ पे आफ्टर बॉर्डर निटिंग, बॉर्डर बुनने के बाद यहाँ पे होल्स बना सकते हैं राउंड में,
कितने भी गैप के बाद वो आप पे डिपेंड करता है कि चार होल बना लें, पांच होल बना लें, जितना भी गैप आप देना चाहें, कंफ्यूज ना हो आप जस्ट गैप अपनी मर्जी से देके और होल्स बना लें। यार्न ओवर वाला जितना भी अब टाइट आप बच्चे के हिसाब से कर लेंगे कि आपने कितना खींचना है इसे, उसके बाद आप बो बना लें या पोम-पोम इधर लगा लें या आप बो फिक्स कर लें इस साइड से या कैसे भी करके, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या किस तरह से इसको पहनाना है या किस तरह से डेकोरेट करना है। अब कोई भी चीज़ अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कोई दूसरी चीज़ सीखनी हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। ये बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है आपकी मिटन्स, शेयर कीजिएगा पिक्चर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।